आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित एक प्लांट में अचानक केमिकल गैस लीक होने से बड़ा हादसा हो गया है। यहां एक बच्ची समेत 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। इसके अलावा 5,000 से अधिक लोग बीमार हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। कई लोग अभी भी सड़कों पर बेहोश पड़े हुए हैं और कई आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ बता रहे हैं। घटना विशाखापट्टनम के आरआर वेंकटपुरम गांव स्थित एलजी पॉलीमर्स इंडस्ट्री की है। घटना स्थल पर राहत कार्य जारी है और बाकी लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। लोगों ने आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत की है। घटना स्थल पर पुलिस के साथ साथ फायर टेंडर और एम्बुलेंस मौजूद है। इससे पहले आसपास के 5 गांवों को खाली भी कराया गया। वहीं सीएम रेड्डी घटना स्थल पर पहुंच रहे हैं। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मामले में संज्ञान लेते हुए आपातकालीन बैठक बुलाई है। बता रहे इस वक्त की एक अहम और बड़ी खबर, विशाखापट्टनम में एक प्लांट में अचानक केमिकल गैस लीक होने से बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ एक बच्ची समेत 8 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। इसके अलावा 5,000 से अधिक लोग बीमार भी हुए हैं। यहाँ बता रहे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अब से थोड़ी ही देर पहले दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक फार्मा कंपनी में जहरीली गैस लीक हो गई, जिसके बाद हालात काफी खराब हो गए हैं। स्थानीय प्रशासन और भारत की जल सेना यहाँ आसपास के इलाके को खाली कराने में जुटी हुई है। सबसे ज्यादा असर बच्चों और बुजुर्गों पर देखा जा रहा है। 5,000 लोगों के प्रभावित होने के और 8 लोगों की मृत्यु की खबर है। वहीं मरने वालों में एक मासूम बच्चा शामिल है। वेरी अनफॉर्चुनेट डे टुडे इन द हिस्ट्री ऑफ विशाखापट्टनम। लाइक ए भोपाल गैस ट्रेजडी, वन ऑफ द बिगेस्ट गैस ट्रेजडी हैपेंड इन विशाखापट्टनम नियर पेंदुर्ती, ए विलेज कॉल्ड आरआर पुरम, वेयर देयर इज एलजी पॉलीमर्स company is available. The gases like inflammable gases like this pentane and ethylene oxide and benzene dioxide, these gases were blown out in that area, and during the night time, early morning hour, people who were sleeping, they were mostly affected, and out of this gas actually 5 casualties were occurred, and the rest of the people about 180 people came to casualty. 3 were under ventilation and their condition is critical, but others are stable, and within 4 to 6 hours I think the people who are stable in the King George hospital will be recovered with the first aid treatment and oxygenation, and will be known by evening that what is the total amount of people affected at this part, and after the people were flown away from the villages and people have already come to the KJ. So total number of deaths will be dealt in the evening hour, and total how many people were sick and how many were under ventilation in various other hospitals.